अक्षय कुमार हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन बॉलीवुड। ही समवन जिन्होंने एक टाइम पे इतनी सक्सेसफुल फिल्म्स दी थी कि उन्होंने अपनी एक अलग ही सेफ स्पेस बना ली थी इंडस्ट्री में। अक्षय की कोई भी फिल्म हो, चाहे एयरलिफ्ट या हाउसफुल जैसी फिल्म, एवरीथिंग ही डिड बिकेम सक्सेसफुल। अगर अब की बात करें एट प्रेजेंट, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। वो कॉन्टिन्यूसली अभी भी फिल्म्स करते हैं एंड एवरी फिल्म इज डिफरेंट देन द अदर, पर ऑडियंस उनकी फिल्म्स को पसंद ही नहीं कर रही है। देर इज अ कॉन्स्टेंट डिक्लाइन इन हिज सक्सेस रेट एंड एज अ सिनेमा एंथुजियास्ट इट मेक्स मी थिंक कि ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज अक्षय इज अ वेरी वैल्यूएबल स्टार और उनकी कितनी सारी फिल्म्स की आज भी ऑडियंस में बहुत रेलेवेंस है। सो ऐसा भी क्या हो गया है कि अब उनकी ज्यादातर फिल्म्स फ्लॉप होने लगी हैं? माय नेम इज विशाल और इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेरा ओपिनियन कि क्यों अक्षय कुमार की फिल्म्स अब उस तरह से वर्क नहीं कर रही हैं जिस तरह से वो पहले करती थी। मुझे साल में 4 पिक्चरें करनी होती हैं, 2 ओटीटी की भी और 28 एड्स भी हैं सर, 17 शोज और एक आधा रियलिटी शो भी करना होता है। रीजन नंबर 1, अप्रोच टू एक्टिंग। अक्षय की रीसेंट फिल्म्स में जो परफॉर्मेंसेज रही हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि वो ज्यादा एफर्ट लगा ही नहीं रहे हैं अपने एक्टिंग में। इसका प्राइम एग्जाम्पल था इन द मूवी पृथ्वीराज, जहां उनकी परफॉर्मेंस ऑडियंस टू क्रिटिक्स सबको बहुत वीक लगी। आई नो अ फिल्म इज ओनली एज गुड एज अ डायरेक्टर, पर अक्षय की परफॉर्मेंस इस फिल्म में बहुत ही बिलो एवरेज थी। इतना तो एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था। एन एक्सपीरियंस एक्टर लाइक अक्षय कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। ऑडियंस को भी उनसे कोई हार्ड कोर एक्टिंग परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, उनको बस अक्षय से उसी तरह की फिल्म चाहिए जिस तरह की फिल्म अक्षय करने के लिए जाने जाते हैं। और उन फिल्म्स में ना एक ऑथेंटिसिटी सी होती थी अक्षय के कैरेक्टर्स को लेके, जो आजकल उनकी फिल्म्स में टोटली मिसिंग है। इसीलिए मुझे लगता है कि उनको अपनी एक्टिंग का अप्रोच चेंज करना चाहिए, बिकॉज ऑडियंस को अब ये चीज बहुत अफेक्ट करने लगी है। हम एक्टर्स हैं, हमें दोबारा करते रहना चाहिए सीन्स को। अरे तब तक करते रहे जब तक अंदर से आवाज ना आए। रीजन नंबर 2, टू मेनी फिल्म्स। एक टाइम पे अक्षय को प्रोड्यूसर्स एक्टिव माना जाता था, वेर ही वॉज डूइंग लाइक 3-4 फिल्म्स इन अ ईयर और सभी की सभी फिल्म्स सक्सेसफुल होती थी। इतना सक्सेस रेट तो तीनों खान्स भी नहीं दे पाते थे अपनी फिल्म्स के थ्रू। अक्षय की फिल्म हर 3 महीने में आती थी और सभी की सभी फिल्म्स ऑलमोस्ट सक्सेसफुल ही होती थी। पीपल यूज टू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू अक्षय फिल्म्स क्योंकि वो बहुत एंटरटेनिंग होती थी और सोशली रेलेवेंट भी होती थी। पर प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई है कि ऑडियंस का अब माइंडसेट बदल चुका है। पहले लोग इवन आयुष्मान और राजकुमार की जो रेगुलर फिल्म्स थी उनको भी मेजॉरिटी में देखने जाते थे। इसीलिए मेरा मानना है कि पेंडेमिक से पहले बॉलीवुड बिल्कुल अलग था। लोगों को हर फिल्म थिएटर में देखने की एक क्यूरियोसिटी थी और अब वैसा नहीं होता है। पीपल हैव बिकम सेलेक्टिव अबाउट वॉचिंग फिल्म्स इन द थिएटर। उसी के साथ साथ अक्षय की जो फिल्म्स हैं वो उतनी क्वालिटी की बनी नहीं रही हैं। अक्षय शुड डू मैक्सिमम 2 फिल्म्स इन अ ईयर और उन फिल्म्स में अक्षय की एक अलग ही डेडिकेशन होनी चाहिए। अक्षय को भी अपनी वैल्यू एज एन एक्टर रियलाइज करनी चाहिए क्योंकि ऑडियंस आज भी उनकी फिल्म्स टीवी पे बहुत देखती हैं। उनकी फिल्म्स आज भी रेलेवेंट नहीं हुई हैं। पर प्रॉब्लम यहाँ ही आ रही है कि उनकी फिल्म्स क्वांटिटी में तो आ रही हैं पर क्वालिटी में बिल्कुल भी नहीं। सो इस टाइम पे बैक टू बैक फिल्म रिलीजेस करना सही डिसीजन नहीं है। उनको लिटरली अपनी फिल्म सिलेक्शन को एक बार दोबारा रिवाइव करना चाहिए। मुझे अभी पता नहीं है कि कैसे करेंगे, पर करेंगे सर, करना ही पड़ेगा सर। रीजन नंबर 3, रॉन्ग प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। एज वी आर टॉकिंग अबाउट कि अक्षय की फिल्म्स यू नो रेगुलरली रिलीज होती रहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी हर फिल्म खराब होती है। डेफिनेटली उनकी कुछ फिल्म्स के टॉपिक्स तो बहुत अपीलिंग थे। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली रिलीज मिशन रानीगंज इजिली एक हिट फिल्म हो सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म बहुत सिनेमैटिकली अमेजिंग थी या 5 to 5 स्टार्स वाली फिल्म थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट मास लेवल पे ना इस फिल्म में एक ऑडियंस को लेके एक पुलिंग फैक्टर तो था, पर प्रॉब्लम यहाँ है कि फिल्म को प्रमोट ही नहीं किया गया। मैं खुद थोड़ा हैरान रह गया था कि अक्षय की फिल्म को लेके कोई बज क्यों नहीं क्रिएट हुआ। प्रॉब्लम उनकी प्रमोशन स्ट्रैटेजीज में ही थी। मिशन रानीगंज जैसी फिल्म का प्रमोशन पॉपुलर मीडिया में होना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल लाइक यूट्यूब पॉडकास्ट और यू नो फिल्म जर्नलिस्ट के थ्रू जो फिल्म के सेंट्रिक बातें करते हैं। पर उन्होंने क्या किया कि इस फिल्म को न्यूज चैनल्स पर प्रमोट किया, वो भी सेलेक्टिव न्यूज चैनल्स पर। अब प्रॉब्लम न्यूज चैनल्स के साथ ये आती है कि वो हर इंटरव्यू को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं और इस टाइम पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स एक फिल्म के लिए या एक एक्टर के लिए बैड न्यूज है। इसीलिए एक अच्छी प्रमोशन स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है एक फिल्म के लिए, बिकॉज फिल्म को सही ऑडियंस के पास पहुंचना बहुत जरूरी है, बिकॉज अक्षय एज अ स्टार अभी भी रेलिवेंट है ऑडियंस में। पर प्रॉब्लम यही आती है कि ऑडियंस उनकी फिल्म से ज्यादा उनकी किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को लेकर बातें कर रही होती है। अब हम अगर पॉलिटिक्स की बात कर ही रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस तरह से ऑडियंस अफेक्ट हुई है। सी, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं एंड एवरीवन हैज द राइट टू चूज देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। पर प्रॉब्लम वही आती है कि हम सबके पॉलिटिकल ओपिनियंस ऑलरेडी बहुत पोलराइज्ड हैं, या फिर हम खुद अपने आइडियाज से इतना जुड़े हुए हैं कि हम किसी और की बात सुन ही नहीं पाते।
अक्षय की फिल्म्स जब तक सक्सेसफुल हो रही थी तब तक नो वन हैड इश्यूज विद हिज पॉलिटिकल स्टांस, पर अब अक्षय की जब फिल्म्स फ्लॉप हो रही है ना तो उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को भी कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया जाता है। अक्षय का इवन पान मसाला यानी इलायची का एड भी अब एक इशू बन चुका है, बिकॉज एक जगह हम उन्हें नॉन स्मोकिंग एड्स में देखते हैं हर फिल्म के शुरू होने से पहले, और दूसरी तरफ हम उन्हें उस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हुए देखते हैं जो कहीं ना कहीं अपने टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। ऑडियंस को इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। आई नो कि अक्षय ने ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप से बैक ऑफ कर दिया है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी हिपोक्रेसी सी फील होती है एज एन ऑडियंस, बिकॉज अगर एक तरफ आप एक नॉन स्मोकिंग ऐड कर रहे हो तो दूसरी तरफ इस तरह के एड्स कैसे आ सकते हैं। सो दैट्स वेयर पॉलिटिक्स कम्स इन टू प्ले। फिल्म देखने वाली ऑडियंस पे भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए जो पॉलिटिक्स एक टाइम पे उनकी फिल्म्स में वर्क करती थी या उनकी फिल्म्स के अराउंड वर्क करती थी अब उसने वर्क करना बंद कर दिया है। सो एज अ सिनेमा लवर मैं तो यही चाहूंगा कि अक्षय कम्स बैक विद अ बैंग। मैं लिटरली चाहता हूँ कि ये जो सारे रीजंस मैंने इस वीडियो में दिए अगले एक दो सालों में लिटरली कैंसिल हो जाएं, क्योंकि एज अ सिनेमा लवर आई लव वॉचिंग अक्षय कुमार फिल्म्स और मैं फ्यूचर में भी उन्हें बहुत अमेजिंग फिल्म्स करते हुए देखना चाहता हूँ। सो आई रियली होप एज एन ऑडियंस वी गेट द बेस्ट ऑफ हिम। थैंक्स, लव यू। ऑलराइट, ये तो था मेरा ओपिनियन ऑन व्हाई अक्षय कुमार फिल्म्स आर कंटीन्यूअसली फेलिंग दीज डेज। आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज कम्प्लीटली ओके। यू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन कीप वॉचिंग फिल्म कंपेनियन लोकल फॉर मोर वीडियोज लाइक दीज।